मुरादाबाद के वरिष्ठ फोटोग्राफर एआर रहमान लगातार अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से समाज में जागरूकता के लिए संदेश देने का काम कर रहे हैं। अमानगढ़ में बेजुबान जानवरों के चित्र खींचने के साथ समाज तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि हमें बेजुबान जानवरों से लगाव रखना चाहिए। ये हमारे देश की धरोहर हैं, इन्हें संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे में एआर रहमान लगातार हाथी, चीता, शेर, पशु पक्षी के साथ सभी बेजुबान जानवरों के चित्र खींचकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं और सभी को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का भी ये प्रयास है कि अमानगढ़ में एक अच्छा नजारा सभी को देखने को मिले और एक टूरिस्ट स्थल उसको बनाया जाए। इसी संदेश को लेकर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मंडल आयुक्त भी इस ओर काफी गंभीर हैं और बेहतर सुविधाएं वहां पर मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों का बसेरा है। अमानगढ़ के हर रास्ते में जहां हाथी नजर आ रहे हैं तो वहीं पीली डैम के पास छोटे बड़े 50 से ज्यादा हाथियों का एक झुंड देख उत्साहित होते। पानी पीने के लिए पीली डैम पर अक्सर हाथियों के झुंड आते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 50 से ज्यादा हाथी एक साथ देखे गए। इसका वीडियो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एआर रहमान ने बनाया है। इस वीडियो को देख वन विभाग भी काफी उत्साहित है क्योंकि जल्द ही अमानगढ़ पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। इसकी तैयारी में वन विभाग जुटा हुआ है। वहीं दो दिन पहले जब वन विभाग की टीम और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एआर रहमान गाड़ी से अमानगढ़ जंगल घूमने निकले तो हाथियों का झुंड पानी पीते हुए मिला, जिसे फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एआर रहमान ने बताया कि इन दिनों अमानगढ़ में बड़ी संख्या में हाथी आ गए हैं। पर्यटकों को भी सतर्कता के साथ घूमने की सलाह दी जा रही है। अमानगढ़ की गोद प्रकृति ने पेड़ पौधों व सुंदर वन्य जीवों से भरी है। अमानगढ़ का रकबा 1,00,000 बीघा जमीन से अधिक है। उत्तराखंड बनने से पहले ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था। यहाँ बाघ, गुलदार, हाथी, चीतल आदि बहुत संख्या में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में तीसरा है। हमारे यूपी में एक नेशनल पार्क है, दूसरा नेशनल पार्क, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तीसरा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मुरादाबाद से 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। जैसे लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या क्या जानवर हैं, तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ है, हाथी है, भालू है, डियर है, हॉक डियर है, और सामर है, अजगर सांप है, और मतलब विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, यानी कि जो विलुप्त हो चुके हैं वहाँ पे वो भी जानवर देखे गए और मेरे द्वारा उनको अपने कैमरे में कैद भी किया है। सबसे अच्छा ये है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व अपने यूपी में और मुरादाबाद मंडल में एक अलग ही पहचान लेकर आया है, क्योंकि 9 नवंबर 2015 से इसके शुभारंभ हुआ है। 2022 नवंबर 15 से शुरुआत हुई है, इसका शुभारंभ हुआ है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है और यहाँ कम से कम मैं समझता हूँ कि पिछली गणना के हिसाब से 27 टाइगर प्लस हैं और एलिफेंट 100 से ज़्यादा हैं, भालू भी 16 से अधिक हैं और डियर की कोई गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और मतलब और लेपर्ड तो बेगिनती हैं, यानी कि जितने मुरादाबाद मंडल से या अन्य जनपदों से भी जो रेस्क्यू आते हैं लेपर्ड, तो वो भी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में है। यानी कि आप मान के चले कि कॉर्बेट का पिछला हिस्सा, यानी कि अमानगढ़ का जितना ढेला है, झरना है और कालागढ़ है और फाटो जोन है, ये सिर्फ पिछला हिस्सा अमानगढ़ का ही है। यानी कि हमारे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से ये तीन चारों जोन मिले हैं। इसकी और इस वजह से और भी एनिमल्स यानी कि जानवरों की एक्टिविटी ज़्यादा है और देखने को भी खूब मिल रहे हैं और बहुत सुंदर जंगल भी है, क्योंकि यहाँ पे सफारियाँ कम हैं। जंगल सफारी जो आप शुरू की गई हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जानवरों को भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा और बहुत अच्छा जंगल है। आप घूमिए एक बार और इसका आनंद भी लीजिए, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का, और आप देखेंगे एक बार आप मेरे कहने से जाएं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, क्योंकि उसमें जो सुंदरता है वह आपको जाकर ही पता चलेगी, मेरे बोलने पे नहीं, कि एक अपने आप में एक अलग ही पहचान है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसमें एक खासियत और है, हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत कर रहा है, ये दिन रात लगा है, जिला प्रशासन है, सरकार भी इस पर काम कर रही है,
क्योंकि यहाँ पे इसको बढ़ावा देना है जिससे टूरिस्ट भी आए और वहाँ पे जितना मुरादाबाद मंडल है या डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है उसका भी विकास होगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, विदेशी लोग आएंगे। ये एक अपने आप में एक अच्छी पहल की है सरकार ने और सभी का, सरकार का, प्रशासन का, वन विभाग का, सबका धन्यवाद, क्योंकि सबका सहयोग से मैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ कि मुझे भी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं। और मैं आप सबसे एक बार और एक गुजारिश अपील करूँगा, एक बार अमानगढ़ अवश्य घूमें। अच्छा रहमान जी, इसका टाइमिंग क्या है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का? सुबह पहले 6:30 से 10 थी, अब जो है ठंड को देखते हुए वन विभाग ने इसको 8 बजे से सुबह 11:30-11 तक कर रखा है। दोपहर की शिफ्ट में जो है 2 बजे से 5:30। अब दिन थोड़ा बढ़ रहा है तो थोड़ी आगे आने वाले समय में इसको चेंज किया गया। 3.5 घंटे की सफारी है। मुरादाबाद मंडल के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद मंडल के लोगों से कहूँगा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुरादाबाद मंडल के लिए। मैं तो खुद को बहुत सौभाग्य मानता हूँ क्योंकि मैं दूर दूर जाता था, 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर नेशनल पार्कों में। मेरे घर में ही अगर ऐसा टाइगर रिजर्व मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। और आप एक बार घूम कर जरूर